मारे गए माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता प्रवीण को पुलिस ने माफिया घोषित कर दिया है। प्रयागराज पुलिस के FIR में शाइस्ता को माफिया बताया गया है। पुलिस को शाइस्ता की तलाश है और उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता आरोपी है। यूपी पुलिस शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। आपको ये भी बता दें कि उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी अतीक और उसके छोटे भाई अशरफ की 15 अप्रैल को प्रयागराज के एक सरकारी अस्पताल के गेट पर 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अतीक अशरफ की हत्या उस वक्त हुई जब पुलिस दोनों को मेडिकल जांच के लिए लेकर जा रही थी। इससे पहले पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद और गुलाम को 13 अप्रैल को ही झांसी एनकाउंटर में मार दिया था। अब प्रयागराज पुलिस ऐसी एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता प्रवीण और एक अन्य आरोपी साबिर को शरण देने के आरोप में एक स्थानीय व्यक्ति खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मोहम्मद अतीन जाफर को मंगलवार को ही छापेमारी के दौरान हिरासत में ले लिया था, जिसको पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस ने कहा कि जाफर ने 15 अप्रैल को अतीक अहमद की हत्या के ही दिन शाइस्ता और साबिर को आवास पर रहने की शरण दी थी। उमेश पाल हत्याकांड में साबिर पर 5 लाख रुपए का इनाम है। अब पुलिस ने पूछताछ के दौरान जाफिर से ये स्वीकार किया है, जाफिर ने, कि शाइस्ता और साबिर 16 अप्रैल को प्रयागराज के खुलादाबाद इलाके में उसके आवास पर रुके थे और अगले दिन किसी अज्ञात स्थान पर चले गए थे। पुलिस के अनुसार जाफर ने उन्हें ये भी बताया कि शाइस्ता और साबिर ने छल करके अतीक के जनाजे में शामिल होने की योजना बनाई थी, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने अपनी योजना बदल दी क्योंकि उस वक्त जनाजे में काफी ज्यादा संख्या में पुलिस फोर्स तैयार थी। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि बाहुबली सांसद अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता प्रवीण अब माफिया घोषित हो चुकी है। FIR भी शाइस्ता के खिलाफ दर्ज कर ली गई है और FIR में ये भी लिखा है कि शाइस्ता प्रवीण अपने साथ शूटर रखती है। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी और 5 लाख रुपए के इनामी साबिर को शाइस्ता प्रवीण का शूटर बताया जा रहा है, जो शाइस्ता प्रवीण के साथ है।